हेलो फ्रेंड्स, बिजनेस मंत्रा यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम बताने वाले हैं ऑनलाइन से कमाई का सच और झूठ। इस बारे में पूरी जानकारी चाहते हैं तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। आर्थिक उदारीकरण और आधुनिकीकरण के तेज रफ्तार के कारण लोगों के लिए स्वरोजगार की संभावनाएँ सीमित नहीं है। कंप्यूटर और इंटरनेट की सुविधाओं की बदौलत घर बैठे बिजनेस ऑपरेट करने के भी अच्छे चांस बन गए। शिक्षा, अनुभव और ट्रेनिंग के बिना भी आप ऑनलाइन कमाई कर सकते हैं। कुछ समय पहले ऑनलाइन कंपनी सोशल ट्रेड द्वारा लोगों के 3700 करोड़ लूट लेने के समाचार ने ऑनलाइन कमाई को लेकर कई तरह की आशंकाएँ पैदा कर दी है, जिसके चलते लोग ऑनलाइन कमाई का नाम सुनते ही भागने लगे हैं। जो लोग ठगे गए उनसे यदि पूछा जाए कि इसके लिए दोषी कौन है तो वे इधर उधर बगले झांकते नजर आएंगे। जो ऑनलाइन कमाई के बारे में नहीं जानते हैं, साइबर ठग बड़ी आसानी से उन्हें ठग लेते हैं। कुछ सालों पहले सिंगापुर के एक कंपनी स्पाइक इंडिया ने देश भर के लाखों लोगों को सर्वे के नाम पर करोड़ों रुपये का चूना लगाया था। इस बार सोशल ट्रेड ने लोगों को लाइक के बहाने करोड़ों रुपए ठग लिए। दोनों ही मामलों पर यदि गौर करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कंपनी ने एक ही तरीके से लोगों को मूर्ख बनाकर उनकी जेब से बड़ी आसानी से रुपए निकाल लिए। ऑनलाइन द्वारा लोग ठगी के शिकार ठीक उसी तरह से हुए जैसे पोजी कंपनी द्वारा कम दिनों में अधिक रुपये देने का लालच देकर ठग लिया करते हैं। सोशल ट्रेड ने लोगों से एक मुफ्त रकम जमा करवा कर उन्हें अपने ही फेसबुक को लाइक करने पर हर माह निश्चित रकम देने का आश्वासन दिया। लोग लालच में आ गए और धड़ाधड़ रकम जमा करने लगे। मात्र 9 माह में इस कंपनी ने लोगों की जेब से 3700 करोड़ रुपए निकाल लिए। इसकी सबसे बड़ी वजह है लालच। जो लोग बिना कुछ किए पैसा कमाना चाहते हैं वे अक्सर ठगी का शिकार हो जाते हैं। ठग ऐसे ही लोगों को अपना शिकार बनाते हैं। वे ऐसी स्कीम बनाते रहते हैं जिसे पोजी स्कीम कहा जाता है। पोजी स्कीम को बूम करने में अधिकतर लोग उनके अपने ही लोग होते हैं। जो लोग अनेक तरह से कंपनी का प्रचार करते हैं लोग उनकी बातों में आ जाते हैं और अपने मेहनत की कमाई उन्हें सौंप देते हैं। जिस तरह से ऑफलाइन में पैसा कमाने के लिए स्कीम बनाकर लोगों को ठगने में लगे हुए हैं, उसी तरह से आजकल इंटरनेट पर भी ठगने वालों की कमी नहीं है। साइबर ठग कम दिनों में मोटी कमाई का सपना दिखाकर लोगों को आसानी से ठग लेते हैं। इंटरनेट पर दो चार कंपनी ही नहीं बल्कि लाखों कंपनी ऐसी है जो लोगों को ठगने में लगी हुई है। यदि आप ऑनलाइन से कमाई करना चाहते हैं तो आपको इस बात का खुद ही पता लगाना होगा कि आप जिस कंपनी के साथ काम कर रहे हैं वह ट्रस्टेड है या नहीं। सवाल यह है कि ट्रस्टेड कंपनी के बारे में कैसे पता लगाएं। ट्रस्टेड कंपनी के बारे में पता लगाना बड़ा ही मुश्किल काम है, पर इतना भी मुश्किल नहीं है कि पता किया ना जा सके। यदि आप ऑनलाइन कमाई शुरू करना चाहते हैं तो इसके लिए सीधा सा फंडा है कि आप किसी भी कंपनी को रुपये जमा न करें। रुपये देने के बाद ठगी के शिकार होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। किसी के कहने में ना आए, आप साफ साफ कहें भाई मैं बेरोजगार हूँ, मुझे खुद पैसों की ज़रूरत है, तो मैं पैसे कहाँ से दूंगा। अब आते हैं ऑनलाइन पर किस तरह का काम करें। इसके पहले यह जानना जरूरी है कि इंटरनेट पर किस किस तरह के काम किए जा सकते हैं। ऑनलाइन कमाई के सैकड़ों तरीके हैं। अब आपको इनमें से खुद को चुनना है कि आप किस तरह का काम कर सकते हैं। ऑनलाइन कमाई के मुख्य तीन तरीके हैं। पहला, खुद का काम शुरू करना, जिसमें ब्लॉग लिखना, वेबसाइट, ई कॉमर्स, ई बुक्स, डिजिटल मार्केटिंग, यूट्यूब वीडियो तैयार करना, एफिलेटेड मार्केटिंग ऐप बनाना आदि आते हैं। यह सब ऑनलाइन कमाई के फ्री तरीके हैं। दूसरा तरीका है किसी वेबसाइट के द्वारा काम करना। इसमें आपको ऐसी वेबसाइट पर खुद को रजिस्टर्ड करना होता है जहां काम करवाने के लिए लोग आते हैं, उनका काम करके अपनी फीस लेना है। ये कंपनी आपको काम दिलवाने के बदले
आपसे कुछ कमीशन लेती है। आपको काम न मिलने पर वह आपसे कुछ नहीं लेती है। तीसरा तरीका है किसी कंपनी के लिए काम करना, जिसमें कंपनी द्वारा दिए गए काम को पूरा करना होता है, जैसे ऐड पर क्लिक करना, SMS करना, वीडियो देखना, गाने सुनना, सर्वे करना, जैसे काम करना। इनमें से दो तरह की कंपनी काम कर रही है। कुछ रजिस्ट्रेशन फीस लेती है। ध्यान दें, अधिकतर फ्रॉड के मामले इन कंपनियों के द्वारा ही सामने आए हैं। इसके अलावा भी ऑनलाइन से कमाई के और भी अनेक तरीके हैं, जैसे गेम खेलकर, ऐप में टास्क पूरे कर, रिफर कर, क्रिप्टो करेंसी खरीद कर आदि, जिनकी चर्चा हम ऑनलाइन कमाई के क्या सच क्या झूठ की इस श्रृंखला में आगे करेंगे। फ्रेंड्स, ऑनलाइन कमाई के सच और झूठ के बारे में दी गई जानकारी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। इस बारे में यदि आप कोई जानकारी चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखें, इसे लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। जो लोग इस चैनल पर पहली बार आए हैं, उन्हें यदि बिजनेस से संबंधित जानकारी में रुचि है तो बिजनेस मंत्रा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। आज बस इतना ही, फिर मुलाकात होगी एक नए वीडियो में एक नए बिजनेस मंत्रा के साथ। नमस्कार।